साबरमती जेल से अतीक अहमद को लेकर निकली पुलिस, सड़क रास्ते से लाया जा रहा है यूपी। पुलिस वैन में बैठते वक्त अतीक अहमद का बयान, कहा मेरी हत्या करना चाहते हैं। तय स्पॉट पर ही रुकेगी पुलिस की गाड़ी, कुल 18 स्पॉट बनाए गए। 45 सदस्यीय टीम अतीक को ले जा रही है प्रयागराज, 28 मार्च को होगी कोर्ट में पेशी। अतीक के फरार गनर की तलाश में छापेमारी तेज, पुलिस ने गनर के बेटे को हिरासत में लिया। भगोड़े अमृतपाल की तलाश के बीच बड़ा खुलासा, सूत्रों के हवाले से खबर, अमृतपाल ने रची थी पंजाब को दहलाने की साजिश, पाकिस्तान से मंगाए थे हथियार। अमृतपाल को अकाल तख्त की नसीहत, आत्मसमर्पण कर जांच में सहयोग करने को कहा। राहुल के समर्थन में कांग्रेस का राजघाट पर सत्याग्रह, प्रियंका गांधी का पीएम पर बड़ा हमला, बोली इस देश का प्रधानमंत्री कायर है। कांग्रेस के सत्याग्रह में जगदीश टाइटलर के शामिल होने पर उठे सवाल, बीजेपी ने किया वार, गिरिराज बोले सिखों का हत्यारा सत्याग्रह में शामिल। राहुल गांधी ने ट्विटर पर बदला अपना बायो, डिटेल में लिखा डिस्क्वालिफाइड एमपी। कर्नाटक दौरे पर गए अमित शाह, बीदर में कांग्रेस पर जमकर बरसे, बोले कांग्रेस ने वोट बैंक की राजनीति की, कर्नाटक को एटीएम की तरह किया इस्तेमाल। कांग्रेस अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, बोले अहंकार इतना बड़ा है कि माफी नहीं मांग सकते। राजघाट पर कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान, कहा लाख रोको पर हम थमेंगे नहीं, योगी आदित्यनाथ ने किया पलटवार, भ्रष्टाचारी सत्याग्रही नहीं हो सकते। भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे ने की खुदकुशी, वाराणसी के एक होटल में लगाई फांसी, पुलिस जांच में जुटी। भोपाल में बीजेपी कार्यालय के भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल हुए जेपी नड्डा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी रहे मौजूद। कांग्रेस के सत्याग्रह पर बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक का हमला, बोले राहुल ने पीएम के साथ साथ देश का भी विरोध किया, जनता माफ नहीं करेगी। एआईयूडीएफ विधायक अमीनुल इस्लाम का बीजेपी पर हमला, हिटलर का शासन चला रही बीजेपी। जी न्यूज से बोले रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, कहा अगले साल तक रेलवे के जरिए पूरे देश से कनेक्ट हो जाएगा जम्मू कश्मीर। पंजाब सरकार का बड़ा ऐलान, फसल नुकसान होने पर मिलेगा ज्यादा मुआवजा। अमेठी में मोबाइल वेटनरी वैन की शुरुआत, गांव में पशुपालकों को मिलेगी मदद। दिल्ली में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस का एक्शन, पीतमपुरा इलाके में 6,500 शराब की बोतलें जब्त। अंबेडकर नगर में शराब तस्करों पर नकेल, पुलिस ने शराब के साथ दो तस्कर गिरफ्तार किए। बिहार के भागलपुर में युवक पर उसके भाई ने फेंका गरम तेल, पुलिस ने मामला दर्ज किया। राजस्थान के टोंक में बजरी माफिया पर कार्रवाई करने गई पुलिस टीम पर हमला, ग्रामीणों ने पुलिस टीम पर फेंके पत्थर। पंजाब के लुधियाना के सनातन मंदिर में चोरी, दान पेटी तोड़कर नकदी ले गए चोर, सीसीटीवी खंगाल रही पुलिस। यूपी के बाराबंकी में खुलेआम बेची जा रही है कच्ची शराब, सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है वीडियो। शाहजहांपुर में बाइक चोरी करने वाली गैंग पर एक्शन, दो सदस्य गिरफ्तार, 5 बाइक बरामद। फतेहपुर में बाइक सवार बदमाशों ने होमगार्ड पर किया हमला, अस्पताल में इलाज जारी। नर्मदापुरम में पोस्ट ऑफिस की दीवार से टकराई कार, हादसे में 4 घायल। बागपत में पुलिस ने 4 बाइक चोरों को किया गिरफ्तार, 3 बाइक बरामद। वैशाली में गेहूं की फसल में लगी आग, शॉर्ट सर्किट से हादसा। नोएडा की एक सोसाइटी में लगी आग, हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। मुंबई के कांजूरमार्ग की इमारत में लगी भीषण आग, 5 लोगों के जख्मी होने की खबर। लखनऊ में अलाया अपार्टमेंट मामले में फरार चल रही याजदान बिल्डर पर कार्रवाई, इमारत पर कुर्की का नोटिस चस्पा। गुरुग्राम के मानेसर में 30 गांवों ने की महापंचायत, नगर निगम चुनाव के बहिष्कार का ऐलान। यूपी के महाराजगंज में एक दारोगा ने थाने के भीतर युवक से की मारपीट, सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो। दिल्ली में आवारा कुत्तों का आतंक, वसंत कुंज में 6 साल की बच्ची पर किया हमला, बाल बाल बची बच्ची की जान। एमपी के ग्वालियर में युवकों ने की फायरिंग, कुल्फी की दुकान पर हुआ विवाद। एमपी के कोरबा में तेंदुआ दिखने से दहशत, पहले भी इलाके में कई बार दिखा है तेंदुआ। झांसी में अधिकारी ने मंत्री बेबी रानी मौर्य के पैर छुए, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद पर लगे आरोपों का दिया जवाब, कहा इन सबके पीछे है रूस का हाथ। अमेरिका के मिसिसिपी में तूफान की वजह से भारी तबाही, 25 लोगों की मौत। मिसिसिपी में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, लोगों को मलबे से निकाला जा रहा है। इसराइल में न्यायिक बदलावों के खिलाफ प्रदर्शन जारी, पिछले 11 हफ्ते से लोग नए बिल का विरोध कर रहे हैं। विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत को 3रा गोल्ड, निखत जरीन ने जीता फाइनल। Z News।